हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनरिथ गैलरी। आज मैं बताऊंगी ड्रेस में जेब कैसे लगाते हैं। इस वीडियो में मैंने फ्रॉक के बैक साइड में जेब लगाया है, तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रॉक बनाने के लिए कपड़ा कटिंग के बाद हम इसके टॉप पार्ट को लेंगे और टॉप पार्ट में से हम फ्रंट पार्ट को निकाल लेंगे और बैक साइड को लेंगे। अभी बैक वाला पार्ट को लेके इसको फोल्ड करेंगे और इसको मिडिल में काट लेंगे 2 इक्वल पार्ट में। अभी हम 2 स्ट्रिप्स लेंगे लेफ्ट साइड और राइट साइड में अटैच करने के लिए। तो इनमें से एक का चौड़ाई 1.5 इंच है जो कि हम लेफ्ट साइड में लगाएंगे और दूसरे का चौड़ाई 2 इंच है जो कि हम राइट साइड में लगाएंगे। अभी लेफ्ट साइड के सीधी साइड के ऊपर स्ट्रिप्स के रॉन्ग साइड रखकर स्टिच करेंगे और राइट साइड के नीचे स्ट्रिप्स के सीधी साइड रखकर इसको स्टिच करेंगे। ये देखिए, मैंने यहाँ पे टॉप के लेफ्ट वाला पार्ट के ऊपर स्ट्रिप्स के रॉन्ग साइड रख कर स्टिच कर रही हूँ। स्टिच करने के बाद इसके जॉइंट वाला पोर्शन को बाहर की तरफ फोल्ड करके इसके किनारे पे स्टिच लगाएंगे फिनिशिंग के लिए। आप चाहे तो ये वाला स्टेप को स्किप कर सकते हैं। अभी ये देखिए, इसके बाहर की तरफ जितना भी कपड़ा है इसको ऐसे डबल फोल्ड करेंगे और इसके बाद इसको स्टिच करेंगे। तो इस तरह से लेफ्ट वाला पार्ट का स्टिचिंग खत्म होता है और स्टिचिंग के बाद हमारा जो एक्स्ट्रा अनवांटेड फैब्रिक है नीचे, उसको हम कट कर लेंगे। नेक्स्ट हम 2 इंच वाला स्ट्रिप्स लेंगे और इसके सीधी साइड के ऊपर कपड़ा के सीधी साइड रखकर इसके ऊपर हम स्टिच लगाएंगे। यहाँ पे देखिए, स्टिच करने के बाद बाहर की तरफ जितना भी कपड़ा है इसको हम पूरा फोल्ड नहीं करेंगे, बस 1/2 इंच का फोल्ड करके जहाँ पे हमने स्टिच किया था उसके ऊपर एक स्टिच लगाएंगे। अभी इसके नीचे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको काट लेंगे। अभी एक जीप लेंगे, लेफ्ट वाला पार्ट को इसके साइड में रखकर यहाँ पे स्टिच लगाएंगे और राइट वाला पार्ट को इसके ऊपर चढ़ा के इसके ऊपर ऐसे स्टिच लगाएंगे। तो स्टिचिंग के वक्त हमें जीप को पूरा खोल देना है और इसके साइड में कपड़ा रखकर इसके किनारे पे हम स्टिचिंग लगाएंगे। अभी राइट वाला पार्ट को जीप के ऊपर ऐसे चढ़ा के इसको ऐसे स्टिच कर देंगे। तो ये देखिए, ड्रेस के बैक साइड में जीप लग चुकी है। राइट साइड में हमने जो स्ट्रिप्स जॉइंट किए थे, इससे क्या होता है, ये जीप को ढक के रखता है तो ये बाहर की तरफ दिखाई नहीं देता है। अब ये देखिए, बैक साइड में जीप अटैचमेंट के बाद इसका जो विड्थ है फ्रंट के विड्थ के साथ सेम है। अभी इसके नीचे हम स्टिच करके लग कर देंगे और एक्स्ट्रा जेब को काट लेंगे। सो फ्रेंड्स, दिस वीडियो मे बी हेल्पफुल टू यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।